press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, और ये दोनों बात करेंगी जन्नत के नजारों के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बस एक 72 हूर वर्जिन हूर के लालच में जो लोग टेररिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं या गलत हरकतों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या गलत चीजों पर वो चल राह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि बेसिकली ये एक इल्यूजन है, ये एक लालच दिया जाता है जो लोग भी देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको 72 हूर मिल जाएगी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब अजमल खसब का स्टेटमेंट लिया गया था तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसको ये बताया गया था कि अगर तुम जाओ हिंदुस्तान जाओगे और धम 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 मासूमों की जान लेना स्टार्ट कर दोगे तो तुमको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। और कई मूवीज में भी हमने इन 72 हूरों के बारे में सुना है। इवन आपके साथ मौलाना साजिद रशीदी ने भी आपको तो सरदार में ही बना दिया था 72 हूरों की। तो ऐसी चीजें हमारे मुल्ला मौलवियों ने फैलाया है, बिल्कुल फैलाया है, और जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स होते हैं ना, और यंगस्टर्स क्योंकि हार्मोनल का एक टाइम होता है जो काफी तेजी में काम करता है, तो वो यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं। और वो लोग कभी बदन में बम लगाना या कभी हिंदू लड़की से शादी करके उसको फोर्सिबली उसको मुसलमान बनाना, तो ये सारे हरकतें करते हैं, या कन्वर्शन कराना, अलग जिहाद करना, या मदरसे के अंदर बच्चे और बच्चियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाना, या गेमिंग ऐप के जरिया उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ा देना। तो ये सारी चीजें जो क्राइम जो चल रहा है वो ये मूवी में ये बताया गया है कि एक्चुअली में ये वर्जिन 72 हूर कुछ नहीं है। आपको ऊपर में कोई अंगूर बताशा और शराब का चश्मा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, और ना ही 135 फुट की खूबसूरत 72 हूर मिलने वाली है। तो बराए मेहरबानी आप इस वर्जिन हूर के लालच में धरती के लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। दैट्स इट, दिस इज द काइंड ऑफ अवेयरनेस। जैसे हम लीगल किसी टॉपिक को लेकर के अवेयरनेस की का सेमिनार करते हैं, या हम एनवायरमेंट को लेकर के सेमिनार करते हैं, या गो ग्रीन का प्लांट्स को लेकर के सेमिनार करते हैं तो वो एक अवेयरनेस होता है। मेडिकल को लेकर के हम सेमिनार करते हैं तो वो एक अवेयरनेस होता है। तो एकदम एग्जैक्टली अवेयरनेस है जिसको बड़े पर्दे पर पिक्चर की तरह दिखाया गया है कि भाई ऐसा ऐसा है, आप इस लालच में आकर के अपने बदन पर बम और गोली मत बांध करके आप आतंकवादी बन जाओ। दिस इज द थिंग एक्चुअली थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है बहुत लोगों को इससे मिसगाइड किया जाता है और बहुत ये बातें बताई जाती हैं। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, वो भी जर्नलिस्ट ही हैं, तो हम लोग कुछ टाइम पहले मिले, बातें कर रहे थे, तो ये हूरों वाली बात निकली। तो उन्होंने कहा जो कहा जाता है कि शहद की नहर होगी, दूध की नहर होगी, और इस तरह से शराब की नहर होगी, तो उन्होंने कहा कि उसमें मोमिन नहाएंगे, तो कहते हैं अगर उसमें नहा के निकलेंगे तो हूरें तो नहीं मिलेंगी, हाँ मक्खियां बहुत बैठेंगी। तो वो मुझे उनकी ये बात बिल्कुल ठीक लगी। बाकी सोचे पूरे में मक्खियां ही मक्खियां बैठी होंगी, तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो उस नहर में भी नहाया जाएगा और फिर हूरें मिलेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हूरें आसपास भी पटकेंगी अगर हुई भी कोई। मैं तो आरजू दी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरे मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा, तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? 135 फुट की औरत और 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का बहुत ज्यादा, तो 6 फुट का मर्द, ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माता बुद्धि लगा ले, ये बुद्धि जो भ्रष्ट होकर के बैठा दिया गया है, थोड़ी सी अगर माता बुद्धि लगा ले तो यहीं पर बात क्लियर हो जाती है।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है या एक समझ लीजिए कि धोखा देने के लिए, और खास तौर पे छोटी उम्र के बच्चों को जो ये बहुत ज्यादा बहकाते हैं मदरसों वगैरह में, वहां के लिए ज्यादा ये चीजें चलती हैं, जो बहुत कंट्रोल करने की और इस तरह की बातें करने की, और बल्कि जो आप जैसे कह रही थी कि सेमिनार्स और ये सब कुछ भी होने चाहिए ताकि लोगों को जो है वो अवेयरनेस हो। लेकिन साथ साथ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी बड़ा चर्चा है आजकल इंडिया में, तो वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है? और बहुत सी चीजें मुसलमान जो है बड़े एतराज कर रहे हैं कि जी हमारी चीजों के अंदर जो है दखल दिया जा रहा है। देखिए भाई, मुसलमानों को किस चीज में एतराज नहीं है, हर एक चीज में एतराज है। हमने बिंदी लगा ली तो हम तो मुसलमान नाराज, हमने जीन्स पहन लिया तो मुसलमान नाराज, हमने पढ़ाई कर लिया तो मुसलमान नाराज। तो उनको हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप करने का जैसे जन्मसिद्ध अधिकार मिल गया है। कई मुल्लों से तो मैंने मांग लिया है कि भैया तुमको अल्लाह ने कोई चिट्ठी अगर लिख के भेजी है कि धरती पर जाने के बाद तुमको मुसलमान महिलाओं को डिप्राइव करने और इंसल्ट करने का ही काम है, तो वो चिट्ठी दिखा दो कम से कम, हम भी मान लेंगे कि भाई तुम अल्लाह के भेजे हुए हो औरतों को डिप्राइव करने के लिए। देखिए अर्जुदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नया नहीं है, आपका 1948 का है, जिसमें आर्टिकल 44 में बता दिया गया था, हमारे संविधान में बता दिया गया था कि कॉमन लॉ आएगा। कई ऐसे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, 1995 में आए, उसके बाद 1984 में आया, 1987 में आया, 1999 में आया, तो ऐसे कई केसेस आए, ऐसे कई सर्कमस्टांसेस आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि एक ऐसा ऐसा लॉ लाना चाहिए जिसमें सबको एक बराबर देखा जा सके। कभी कहीं पर शरिया लॉ खोलो, कहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंटरफेयर हो जाता है, तो ये सारी चीजों को बंद करने के लिए एक लॉ की बात हुई थी। देखिए आर्टिकल 44 ये इन सारी चीजों को संविधान में पहले ही बता चुका है। अब मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि इन्होंने चार शादी करनी होती है, इन्होंने 11-12 साल की लड़की जिसका पीरियड्स हो जाता है, इनका शरिया लॉ बोलता है कि भाई इसका निकाह हो सकता है। अब हमारे हिंदुस्तान में उसको पॉक्सो एक्ट में देखा जाता है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में अगर या संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए या इंडियन पिनल कोड के हिसाब से देखा जाए, तो अगर कोई हिंदू एक से दूसरी शादी कर लेता है तो उसको जो है सेक्शन 494 के तहत 7 साल की सजा हो जाती है। जो जो मर्द अगर कोई दूसरे कास्ट और क्रीड का मर्द अगर माइनर बच्चियों उसके साथ सेक्स कर लेता है तो उसको लाइफ टाइम कन्वर्शन का उसको पनिशमेंट मिल जाता है। तो एक ही धरती पर रहने वाले में एक आदमी शरिया लॉ का मजा लेगा और एक आदमी बेचारा पनिशमेंट सहेगा, दिस इज नॉट गुड ना, दिस इज अ काइंड ऑफ बुलशिट। सेकंड थिंग इज के ये जो इनका तरीका है ना ट्विस्ट एंड टर्न करने का, ये जो इनका तरीका है मेंढक की तरह फुदकने का मुसलमानों का, कभी फुदक करके हम शरिया लॉ पे चले जाएंगे, कभी फुदक करके हम चले आएंगे कानून पर और संविधान पर। देखिए हमारा हमारा इस्लाम या शरिया लॉ बलात्कारियों के लिए जो सजा दिया है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो जब जब मुसलमान बलात्कार करता है तब ये क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं और ये क्यों नहीं खुतबा में बोलते हैं और क्यों नहीं उनका उनका औजार काट देते हैं भरी महफिल में खड़ा करके, एक पंचायती बिठा करके? क्योंकि शरिया लॉ तो भाई जना को बहुत बहुत गंदा देखा है ना, कुरान ने तो जना को बहुत बदनजर से देखा है। तब तो ये कहते हैं, तब तो ये जल्दी से ट्विस्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में बेल का प्रावधान है, इनको पता है कि 10 साल 8 साल के बाद छूट करके आ जाएगा, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई में चले जाते हैं। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ शरिया लॉ में या इस्लामिक लॉ में आरजूदी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई किसी लड़की का तलाक होता है तो इद्दत से लेकर के उस लड़की का निकाह जब तक दूसरे घर में ना हो जाए खर्च जो है उस हस्बैंड को उठाना पड़ेगा। अब ये शरिया लॉ यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि नहीं नहीं तुम 125 सेक्शन फाइल करो। क्यों करो? क्योंकि 2 साल लगेगा, फिर रो पीट करके कोर्ट के सामने 1500 पे उसको नकी कर देगा, फिर या तो फिर वो बहुत सारा जमात बैठ जाएगा दाढ़ी और टोपी पहन करके और कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं दे पाएगा, बच्चा भी लड़की के गोद में डाल दिया जाएगा। तो ये जो ये अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से शरिया लॉ और संविधान और कानून पे कूद फांद करते हैं, इसका तो बंद होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड एक्सप्लेनेशन इज आरजुदी
कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है ये कॉमन लॉ है, मतलब सब सब धर्मों के लिए आ रहा है, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए नहीं आ रहा है। पर आप देखो, आप जितना भी न्यूज देखो या जितने भी आर्टिकल्स पढ़ो, इसमें क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम है, मुसलमानों को प्रॉब्लम है। देखिए बहुत सारी कुरनीति और दुर्नीति आ रही थी, हिंदुओं ने भी अपने में बहुत बेटर किया, चाइल्ड मैरिज एक्ट को उन्होंने खत्म किया, सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया, डाउरी एक्ट उन्होंने बिल्कुल फोर्सिबली लाया, उसके बाद विडो एक्ट आया कि भाई अब बेवाएं भी शादी कर सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुओं में भी गलत थी जिसको मॉडिफाई किया गया, तो उन्होंने तो इस तरीके से नंगा नाच तो इस्लाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि मॉडिफाई नहीं करना चाहते या उसके ऊपर सवाल भी करना मना है किसी बात। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजो काजमी और नाजिया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों मुस्लिम महिलाओं ने पूरी तरह से इन मौलवी मुल्ला और खासकर मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज किया, जो अपनी ही जनता को कैसे बरगलाते हैं जन्नत के नाम पे और छोटे छोटे बच्चों से जिहाद के नाम पे दुष्कर्म और आतंकी चीजें करवाते हैं, चाहे फिर वो लव जिहाद हो या दूसरे लोगों को परेशान करना हो या फिर ये शांति दूत जो आतंकी बन जाते हैं और बाद में दूसरे देशों पे जाके आतंकी हमला करते हैं। तो आपने देखा इन दोनों ने अच्छे से एक्सपोज किया इन सारे कट्टरपंथियों को, और इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता की सख्त जरूरत है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।